रमजान में ज़िलहज बकरी में ये दो ही में खुशी कर लेंगे दिल्ली हमारा तो दो महीने ही सारी जिंदगी में तुम्हारा चलना फिरना उठना खाना बैठना है करना खुशी ही खुशी तुम्हारा जिंदा रहना भी खुशी है तुम्हारा पर्दा करना भी खुशी है तुम्हारी हवा पर उड़ना भी खुशी है लहमल बशरा बिल हयात दुनिया वल आखिरा लेकिन बात ये है कि वला ने आखिरा तो खैरुल लक मिन अल वला आखिरा तो खैरुल लक मिन हर आने वाली साथ जो है खैर है तुम्हारे लिए अल्लाह से पहली साथ रमजान की और ईद मुबारक थी तुम्हारी पूरी जिंदगी ईद है तुम्हारा जीना ईद है तुम्हारा चलना ईद है तुम्हारा रहना ईद है वो खुशी ही खुशी है दीन वाले कभी रंजीदा नहीं होते अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून क्या मन अल्लाह खबरदार याद रख लो अल्लाह के दोस्त जो हैं उन पर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून खौफ ही नहीं है तो फिर डरते किससे वला हुम यहज़नून वो कोई गमज़दा नहीं होते गमज़दा हुआ बोले तो वो अल्लाह वाला नहीं दुनियादार है जो गमज़दा होता है वो बेईमान है जो गमज़दा होता है ईमान वाला तो कभी गमज़दा नहीं सही हालत में भी खुश है बैठी हालत में भी खुश है लेटी हालत में भी खुश है अरे मजबात क्या है पर्दा तुम्हारा कर लेना भी खुशी है तो याद रखिए जहाँ तक भी तुम करो तो हज करना भी खुशी है वो नमाज पढ़ना भी खुशी है खुशी ही खुशी है ये ईद तो ईद का मतलब क्या ये मतलब क्या है जुमा गया फिर जुमा उतर गया फिर फिर नहीं दे तो याद चलती हुई जा रही है तो याद रखना तुम रंजीदा नहीं होना हर वक्त खुश रहना अल्लाह के पास अल्लाह ही खुश है तो उस खुशी के अंदर तुमको बार बार रहना चाहिए कि तुम्हें रंजीदा नहीं होना यही दो वक्त नहीं बल्कि हर आन अल्लाह का सुभान अल्लाह हर आन अल्लाह का तुमको खुश रखे आमीन अल्लाह तुमको आप से बताए रखे अल्लाह ताला करने वालों के हक को कबूल कर ले अल्लाह तो इनका निगरान हो जाए अल्लाह तो इनको हैसियत से नवाज दे अल्लाह तो इनसे हर तरह से राजी हो जाए अल्लाह तेरे से हम मांगने वाले हैं तेरे मांगने वाले खाली नहीं जाते तुझसे कोई मांगे अगर खाली गया बोले वो बोलने वाला झूठा है वो खाली जाता नहीं है सबको देने वाला तो दाता है सब मांगता है हर लेने वाले हैं तो देने वाला है ये खुशियों के अंदर याद रख लो खुशी खुशी है वो अब याद रखना ये तो ये हिसाब तो कर नहीं सकते खुदा की नियमतों का हिसाब कोई कर ले भले छूटा முடியாது रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर ले लिया तो तुमको रिस्क की परेशानी ही नहीं है और अल्लाह का तुम खुश रहोगे रहोगे और सबसे बड़ी बात यह है तुमको उससे मिलना किससे मिलना जिसने पैदा किया है उसकी चलते हुए भी उसकी याद रहे बैठे हुए भी उसकी याद रहे लेटे हुए भी उसकी याद रहे उसकी बात रहे जिधर गए उधर रहे अहवाल अंदर अल्लाह ताला आजमाइशों के बाद से आते भी जाएंगे
کہ ان آزمائشوں کے اندر سمجھنا کہ ہمارا ہم آزمائشوں کے لائق نہیں مولا تیرے کرم کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ. جی جی سر بس بہت بہت شاید کچھ ہو گیا جہاں سب کچھ نہیں کر سکتے مل جاتا.